जी सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आज का जो मुद्दा है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमारी एक रोड जो सेंक्शन हुई थी BG2 बलनोई, ये मेंढर तहसील के अंदर पड़ती है। इस रोड के लिए बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वैसे एक्टिविस्ट, जनरल पब्लिक जो है मेंढर की, सब ने इसके लिए बहुत काम किया और बहुत मेहनत के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट जो है सेंक्शन हुआ PMGSY के अंडर। तब सिटिंग DDC जो थे उनके मैं लेटर भी आपको दिखाता चलूँ, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे उस टाइम, तो ये लेटर उन्होंने निकाला उस टाइम पे और इस लेटर के द्वारा उन्होंने ये जो है ट्रांसफ़र की जो रोड थी BRO से PMGSY को। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भी जब PMGSY ने इस पर प्रोजेक्ट बनाया, सारा प्रोजेक्ट होने के बाद ये प्रोजेक्ट टोटल जो प्रोजेक्ट की कास्टिंग है ये लगभग कोई 4404 करोड़ की, ये इसकी टोटल आगे से रोड बननी है, जिसमें से 88 करोड़ की सेंक्शन हमारे पास ऑलरेडी आ रखी है, जिसका पैसा आ चुका है और उसका टेंडर फ्लोट हो चुका है। मैं टेंडर के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूँ, उसका टेंडर फ्लोट हो चुका है अभी। ये टेंडर इन्वाइटिंग जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से PMGSY ने कर दिया हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि रिसेंटली हमारे को 3-4 दिन पहले एक लेटर जो है वो निकल के आता है BRO से चीफ इंजीनियर साहब को कि भाई आप ये रोड जो है हम आपको एंडेवर नहीं कर रहे हैं, ये रोड आप छोड़ दें, क्योंकि पिछले 20 साल से BRO के पास कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी फंड नहीं था और ना ही फंड कोई आ रहा था। अचानक से कहीं उनके पास कोई 22 करोड़ का फंड आ गया, जिसके अंदर सिर्फ ब्लैक टॉपिंग का वो रखा हुआ है और ब्लैक टॉपिंग करने के लिए उनको ये पूरा प्रोजेक्ट जो हमारा PMGSY का ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत के बाद, बहुत टाइम लगने के बाद जो है इस चीज़ को ग्राउंड पर लाया था और इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद भी करते हैं। और अब आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई इस रोड का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये PMGSY के पास ही रहने दिया जाए, PMGSY एजेंसी जो है वो इसी को फिल फोर करे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे उनका अपग्रेडेशन रोड एग्जिस्टिंग लेन में से इनका 5.5 मीटर ये रोड खुलना है, जबकि जो दूसरी एजेंसी है हमारी वो एजेंसी इसको रोड खोल नहीं रही है, सिंपली इसका ब्लैक टॉपिंग कर रही है। उसके बाद ये दो साइड से रोड वाइडनिंग है, इम्प्रूव ऑल एग्जिस्टिंग क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स जितने भी हैं इसके अंदर वो आ रहे हैं, सारे पेवर लग रही हैं, टाइल्स लग रही हैं, साथ में जो चलने का एक रास्ता है एरिया एंड क्राउडेड एरियाज जितने भी हैं उसके अंदर किया जा रहा है। एंड टू एंड ब्लैक टॉप इन मार्केट्स अप्रॉक्सीमेटली 7.50 mm का इसके अंदर करना है, जबकि हमारा जो दूसरा टेंडर वो जो निकाल रहे हैं BRO वाले उसके अंदर जो है वो 3 mm का उन्होंने रखा है। तो इस तरीके से ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट अगर PMGSY के पास रहता है तो ये 88.4 करोड़ की जो सेंक्शन आ रखा है इस टाइम पर ये पैसा तो लगना है। और इसके अंदर 2 ब्रिजेस भी इंक्लूडेड हैं, हमारे को वहाँ पर ब्रिजेस की बहुत रिक्वायरमेंट है, जो कि इस 20-22 करोड़ जो इनका आ रहा है अभी इसके अंदर ये होना पॉसिबल नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि भी LG साहब इसके अंदर इंटरवेन करें, हमारे सिटिंग डिप्टी कमिश्नर साहब इंटरवेन करें, हमारे डिपकॉम साहब जो जम्मू के ये इसके अंदर इंटरवेन करें और हमारे इस पैसे को लैप्स ना होने दिया जाए और एज सुन एज पॉसिबल जितना भी हो सकता है तो इसको प्रोजेक्ट को जो है वो हैंड ओवर किया जाए PMGSY के अंडर, क्योंकि PMGSY का काम जो है फाइनल स्टेज पर है, टेंडर फ्लोट हो चुका है, सारे का सारा काम इसमें हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि इसको प्रोजेक्ट को PMGSY ही हैंड ओवर करे और PMGSY इसको कंक्लूड करे, क्योंकि PMGSY भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है और बहुत बढ़िया एजेंसी है और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और खासकर इनका जो प्रोजेक्ट है वो हमें बहुत पसंद आया। ये प्रोजेक्ट है इनका, ये सेंक्शन लेटर जो है गवर्नमेंट से आ रखे हैं सारे के सारे और ये इनका DPR, ये भी मैं आपको कॉपियाँ प्रोवाइड करा दूँगा। DPR के अंदर जो है पूरा मेंशन किया हुआ मार्केट एरिया कैसे बनेगा, हर 5 किलोमीटर के बाद वाशरूम रखे हुए लेडीज जेंट्स, जितना भी सराउंडिंग एरिया आएगा रोड का, रोड वाइडनिंग के बाद जो एरिया बचेगा फुटपाथ के लिए जगह बनी है, फुटपाथ पर टाइल्स लगनी है, तो ये सिंगल वन कनेक्टिविटी है हमारी BG2 मेंढर के लिए। तो हम चाहते हैं कि भी इसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेन करे और जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों की मेहनत है इसके पीछे, जितने भी हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, पॉलिटिकल लोगों की इसके पीछे मेहनत है, उस मेहनत को ज़ाया ना होने दिया जाए और एज सुन एज पॉसिबल इसको जो है वो हैंड ओवर किया जाए PMGSY डिपार्टमेंट के अंडर, ताकि ये काम हमारा स्मूथली हो सके। और इन केस मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को बताना चाहूँगा कि अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम BRO को काम वहाँ पर नहीं करने देंगे, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज तक कॉपरेट करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ये इस तरीके से अगर हमारा नुकसान कराएंगे, पैसा आया हुआ रिलीज होने के बाद ही चला जाए, तो हम इसको भी एक तरीके से ये चीज़ मानेंगे कि जिस तरीके से हमारी लिस्टें आज तक निकलती रहीं, उनको स्क्रैप कर दिया जाता रहा, आज तक मोदी साहब कहते हैं जी 2000 करोड़ भेज दिया, 4000 करोड़ भेज दिया, 10000 करोड़ भेज दिया, लेकिन ग्राउंड पर एक भी पैसा नहीं लगता। उसका कारण ये है कि कोई ना कोई जो है इस तरीके का टेक्निकल ग्लिच बना के इन चीज़ों को हमेशा रोका जा रहा होता है। तो हम नहीं चाहते कि इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये सिंगल वन कनेक्टिविटी है, कम से कम 2 लाख लोग जो है हमारे मेंढर टाउन के इससे मुफीद होंगे। उसके बाद ये लिंक, ये कनेक्ट करता है आगे DKG को और वहाँ से होते हुए पुंछ की रोड निकलती है।
तो पुंछ की पूरी आवाम जो है इससे मुफीद होगी, और ये भी लगभग 10 से 12 लाख लोग जो हमारे इससे बेनिफिशियल होंगे। तो इस प्रोजेक्ट को ना रोका जाए और इस प्रोजेक्ट को PMGSY को हैंड ओवर किया जाए, ये आपके माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल LG मनोज सेना जी से, और यहाँ के जो हमारे जितने भी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने लोग हैं, चीफ इंजीनियर साहब हो गए जम्मू PWD RNB के, उनके ये जितने भी हैं, इन सब से हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई इस प्रोजेक्ट को जो है वो PMGSY के हैंड ओवर करवाया जाए और इसके अंदर इंटरवेन करके इमीडिएट कोई ना कोई हल निकाला जाए। और स्पेशली मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कहूँगा कि दिन डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो थे उस टाइम पर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, उस प्रोजेक्ट को वहाँ पर ये लेके गए थे। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है इस पर अब दोबारा से एक बार उनको काम करने की ज़रूरत है कि प्रोजेक्ट के जो है टेंडर तक फ्लोट हो चुके हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये इसी टेंडर पर ये काम हो, इस BRO से इसको लिया जाए। किसी एक सिंगल कर्नल साहब ने कोई वहाँ जिन्होंने लेटर निकाला कि भैया हमारे को अपना पैसा यूज़ करना है, तो आप अपना पैसा कहीं और भी यूज़ कर लीजिए, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी रोडें हैं वहाँ पर, लेकिन ये एक मेन रोड है तो इसको PMGSY को हैंड ओवर किया जाए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पैसा आया हुआ, हमारा पैसा लैप्स हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।